नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम परिवार के साथ हुई मारपीट के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पूरी घटना पर अपना विरोध जताया है। छात्र संघ अध्यक्ष ने इस मामले को धर्म समाज महाविद्यालय से जोड़कर बताया और कहा कि जिस तरह से बुरके टोपी पर बैन की मांग की जा रही है, टोपी पर हमले की बात कही जा रही है, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना कमेंट ये दर्शाना चाहते हैं कि अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ शहर गंगा जमुना तहजीब का शहर है, इसके खिलाफ लोग खड़े हों। और वहीं अलीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी व एसएसपी से हमारी ये गुजारिश है कि इस केस में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम परिवार के साथ जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया उन लोगों को बख्शा नहीं जाए। जिस तरह की हरकत आज अलीगढ़ में हुई है उसके बाद इस तरह की हरकत से पूरा हिंदुस्तान जलेगा। जिस तरह की ये लोग हरकत कर रहे हैं, ये लोग उस कदम पर चल रहे हैं जिस कदम पर हिटलर चलता था और ये लोग वही माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जैसा कि जर्मन के अंदर हिटलर ने पैदा किया था। लोगों के दिलों में दहशत फैलाना चाह रहे हैं, मॉब लिंचिंग के थ्रू दहशत फैलाना चाह रहे हैं, गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। वहीं कोई भी धर्म इस चीज की परमिशन नहीं देता। सभी लोगों से अपील है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, इस तरह के एलिमेंट को बिल्कुल भी कोऑपरेट ना करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष सलमान इम्तियाज ने अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर हुई कन्नौज के रहने वाले मुस्लिम परिवार के साथ मारपीट की घटना की निंदा की और कहा कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले शरारती तत्व कन्वीनियंस वायलेंस भड़काना चाहते हैं। वहीं एसडीएम द्वितीय प्रवीण यादव ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर हुई मारपीट की घटना को लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एएमयू छात्र संघ ने ज्ञापन सौंपा है और इस घटना को मॉब लिंचिंग की घटना से उन्होंने साफ मना कर दिया। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे एक फैमिली कन्नौज से आ रही थी, उसको भीड़ ने अपना शिकार बनाया। वो तो शुक्र है खुदा का कि वो लोग बच गए, लेकिन जो उनका इंटेंशन था, जिस तरह की चीज़ें पेश आ रही हैं, वो उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह की हरकत साफ दिखाती हैं कि ये एक कम्युनल वायलेंस भड़काना चाहते हैं अलीगढ़ शहर में, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। और ये लोग अपने आप को हिंदुत्व का नारा दे के सामने लाते हैं, लेकिन मैं बता दूँ कि कोई भी मज़हब, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, बौद्धिज्म हो, कोई भी मज़हब इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है कि आप दूसरे के खिलाफ हेट्रेड पैदा करें या फिर एक कम्युनल टेंशन क्रिएट करें। तो ये हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये बात कहूँगा कि ये मौका धर्म समाज कॉलेज से जुड़ा हुआ है। जिस तरह वो वार्निंग देते हैं कि बुरके और टोपी पर हमला किया जाएगा, उनके जो गैर जिम्मेदाराना कमेंट ये दिखाते हैं कि वो इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं अलीगढ़ में, जिससे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ पूरा शहर जो गंगा जमुनी तहजीब का लंबरदार है उसके खिलाफ लोग खड़े हों और यहाँ जो पीस लविंग पीपल है उनको डिस्टर्ब किया जाए। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से और जो दीगर पुलिस अफसर हैं उनसे कि इस केस में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी हमलावर थे उनको बख्शा ना जाए, क्योंकि इस तरह की हरकत अगर हम छोड़ते हैं तो आगे चल के ये सिर्फ अलीगढ़ नहीं, इसमें पूरा हिंदुस्तान जलेगा जिस तरह की ये हरकत कर रहे हैं। और ये बिल्कुल वही नक्शे कदम पे चल रहे हैं जिस कदम पे हिटलर चलता था और ये वही माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जो जर्मनी के अंदर हिटलर ने पैदा किया था। लोगों के दिलों में दहशत फैलाना चाह रहे हैं, मॉब लिंचिंग के थ्रू दहशत फैलाना चाह रहे हैं, गाय के नाम पे लोगों को मारते हैं। ये कोई भी धर्म इस चीज़ की परमिशन नहीं देता। तो लिहाजा मेरी सभी लोगों से अपील है, चाहे मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, सभी लोगों से इस तरह के एलिमेंट्स को बिल्कुल टॉलरेट ना करें। रेलवे स्टेशन अलीगढ़ पर कुछ विवाद हुआ था, उसका वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत है धारा 394 PC का, और उसी को लेकर इन लड़कों ने आज एक ज्ञापन दिया है जो उचित माध्यम से अभी प्रेषित किया जा रहा है। सर, कल क्या मॉब लिंचिंग हुई? नहीं, मॉब लिंचिंग नहीं है, वो तो झगड़ा है। इन लोगों को शिकार बनाया गया, उनका ये कहना है कि मैं मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है, तो आरोप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो झगड़ा है, विवाद है, उसका मुकदमा पंजीकृत है और सीसीटीवी कैमरे वहाँ तलाश कराई जा रही है, शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी।
सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।